सो है हेलो गाइस, वेलकम टू डिस्ट्रॉय गेमिंग एंड टेक। सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या है इस इवेंट में, क्या है हैमर जैम इवेंट और सीओसी क्या क्या नया लेके आने वाली है आप लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो चैनल पे तो ये सब्सक्राइब वाला बटन आपके लिए, अगर आपने नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाओ। नोटिफिकेशन बेल को दबाओ और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोकना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इधर दिख रहा हैमर जैम इवेंट। क्या है हैमर जैम इवेंट? हैमर जैम इवेंट लिटरली आपका हर बिल्डिंग, हर हीरो, हर अपग्रेड पे जो आपका पैसा खर्च होता है वो आधे से भी कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो अभी आपके पास बेस्ट मौका है अपनी सारी की सारी चीजें अपग्रेड कर लेने का। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, हैमर जैम इवेंट यहाँ पे 13 दिन के लिए आया है। 13 दिन का मतलब है टाउन हॉल 15। 13 दिन बाद रिलीज होने के चांसेस बहुत हाई है, बहुत हाई। हैमर जैम आने के कुछ दिनों बाद ही आ जाता है आपका नया टाउन हॉल। तो सीओसी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था टाउन हॉल 15 आएगा करके, तो टाउन हॉल 15 आ रहा है। ठीक है, उसके साथ अभी मैं आपको बताता हूँ और क्या है। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं न्यूज़ वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा जो कि एक सेकेंड आने दीजिए, आ जाओ जल्दी से आ जाओ यार, ये भी लाइक नहीं, हम आएंगे लेट से थोड़ा। नेक्स्ट अपडेट, बैरिक सिस्टम चेंज। जब टाउन हॉल 15 आएगा तब उसमें जो बैरिक्स होंगे ना, हमारे पास अभी कितने बैरिक्स होते हैं? 4 बैरिक्स नॉर्मल होते हैं, 2 बैरिक्स डार्क इलिक्जर वाले होते हैं, 2 स्पेल फैक्ट्री होती है, उसके बाद 1 सीज बैरिक होता है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने थोड़ा चेंजेस किए हैं। आपके पास एक सिंगल बैरिक होगी जिसके अंदर सारी ट्रूप्स बन जाएंगी, लेकिन क्या इससे आपका ट्रूप बनने का टाइम में कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, जैसा अभी बन रहा है वैसा ही बनेगा, उल्टा हो सकता है तो ये शायद और भी कम कर दे, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सेम तो रहेगा, ये सही बात है। ठीक है, और इसके बाद वाली जो बात है कि ये चेंजेस कब आने वाले हैं और क्या हमें ये लाइव देखने अभी मिल रहे हैं, अभी गेम पे नहीं है, ये आने वाले हैं टाउन हॉल 15 के साथ, क्योंकि टाउन हॉल 15 पे नए बिल्डिंग्स इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका यही मतलब है बिल्डिंग्स इंट्रोड्यूस करने के लिए ये लोग बैरिक्स हटा रहे हैं। 5-6 बिल्डिंग्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन दैट इज एनफ फॉर अस, हमें और क्या चाहिए मेरे भाई। सो यही था पूरा अपडेट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको कुछ भी नया सजेशन या कुछ भी आप लोग बताना चाहते हो मेरे भाई, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। सो फिर से एक बार कहूँगा, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, ये बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा देना जिससे आप लोग अपडेट सबसे पहले देख सको। तो थैंक यू वॉचिंग डिस्ट्रॉय गेमिंग एंड टेक। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह के किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सायोनारा गाइस।